जवाई बांध में पानी ओवर हो रहा है, पर तू जैतारण में पानी खराब पी रहे हैं। हम सड़कें देखो, आप जैतारण चल के देखे सड़कों की क्या स्थिति है। जनता बहुत दुखी है और केवल केवल जो है केवल सोशल मीडिया पे वो रहते हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे और वो एक्टिव रह करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतारे गए हैं भाई अविनाश जी गहलोत, उनसे नाराजगी की वजह से आज यहाँ इकट्ठी हो रही है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सर्वे कराए, अलग अलग ऑब्जर्वर्स आए, प्रभारी आए, और उन सब के सामने जैतारण की जनता ने एक ही मांग रखी थी कि हमारे को परिवर्तन चाहिए, और अगर आप कोई किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देते हो तो हम उनके साथ आसानी से रहेंगे। लेकिन इन्होंने 5 साल के अंदर जो काम किए हैं और जिस तरह से हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर अशांति सी फैल गई है, कृपया आप इन्हें पुनः टिकट न दें। दोस्तों, जैतारण की जनता आज लांबिया के अंदर एकत्रित हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जो पूर्व प्रत्याशी थे उनको ही दिया है। जनता कुछ बदलाव चाहती हैं, क्या जो हैं इन लोगों के भाव हैं वो जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र सिंह जी कुड़की हैं और लादू सिंह जी बावड़िया और बहुत सारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी और कई पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता जो हैं किस प्रकार का बदलाव चाहती हैं। एक टिकट मिला है और कई बाकी पार्टियों के बाकी हैं, इनके किस प्रकार के भाव हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। जय माता दी सर। जय माता जी। काई वजह है कि भाई आज जैतारण की जनता लांबिया के मायने एकत्रित हुई है और कि ये नए एक प्लान की तरफ मूड बना चल रही है। जैतारण की जनता जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतारे गए हैं भाई अविनाश जी गहलोत, उनसे नाराजगी की वजह से आज यहाँ इकट्ठी हो रही है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग सर्वे कराए, अलग अलग ऑब्जर्वर्स आए, प्रभारी आए, और उन सब के सामने जैतारण की जनता ने एक ही मांग रखी थी कि हमारे को परिवर्तन चाहिए, और अगर आप कोई किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देते हो तो हम उनके साथ आसानी से रहेंगे। लेकिन इन्होंने 5 साल के अंदर जो काम किए हैं और जिस तरह से हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर अशांति सी फैल गई है, कृपया आप इन्हें पुनः टिकट न दें। लेकिन इसके ऊपर विचार नहीं करके और उनको पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बना दिया गया, इसलिए जनता आज एकत्रित होकर के उनके विकल्प के रूप के अंदर कि हमारा हम जब जो व्यक्ति जिताएं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे, लेकिन इनको नहीं जिता करके हम ऐसे व्यक्ति का चयन करने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से हिंदुवादी है और पूर्ण रूप से पूरी जनता का, 36 कौम का उनके साथ सहयोग रहेगा, और वो विजयश्री को प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हम उनको सुपुर्द करेंगे। ऐसी क्या वजह रही कि यहाँ पे सर्वे या तो हुआ नहीं, या जनता ने सर्वे सही नहीं दिया, या जो सर्वे हुआ उसको पार्टी ने नज़रअंदाज कर दिया? इसमें मेरे हिसाब से जो लगता है कि एक दो नेताओं ने अपनी वीटो पावर को काम लेकर के जनता की आवाज़ को नहीं सुनने दिया और उन्होंने अपने वीटो को काम में लेकर के इनको प्रत्याशी के रूप में वापस उतारा। तो अब जैतारण की जनता किस प्रकार जो है इस जो फेरबदल है उसको जवाब देगी? अब ये जैतारण की जनता तो हजारों की तादाद में आपके सामने है, आप देख लीजिए कि इसका जनता से आप पूछिए कि ये क्या परिणाम चाहते हैं। और कल हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग के अंदर मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और उनके मीटिंग में मात्र 300 आदमी नहीं पहुंचना, इससे ज़्यादा हमारे को इतनी शर्म आई कैसे कैसे प्रत्याशी को बीच में उतार दिया गया। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? आप प्रधान है, पूर्व गजय सिंह जी, गजय सिंह निम्बोल, पूर्व प्रधान जैतारण। अच्छा, पूर्व प्रधान है आप। गजय सिंह जी, क्या वजह हैं कि जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे जो जैतारण के अंदर एक मीटिंग करके लांबिया के अंदर अपना प्रतिनिधि जो है किसी और को चुनना चाहते हैं, पार्टियों ने जिनको चुना उनको स्वीकार नहीं कर रहे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पूर्व MLA साहब थे वो कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं रख सके, 5 साल में किसी को साथ नहीं रखे, अपनी मन मर्जी से अपने हिसाब से वो अपना काम करते रहे, किसी को जोड़ने की कोशिश नहीं की, तोड़ने की कोशिश की। इसलिए अब जनता ने विचार कर लिया कि नया चेहरा को ही विधानसभा में भेजेंगे और वो बीजेपी का ही
सपोर्ट करेगा, बीजेपी के साथ ही रहेगा। जिस हिसाब से जनता ने हमने बात हमसे बहुत सारी जनता से बात की, जनता एक आरोप लगा रही है कि गांव-गांव में लेटर पेड का जो है एक बंडल बना हुआ, वो क्या मसला? अब आप जी वो मसलों तो एमएलए साहब ने खुद नहीं पूछो, नहीं आप जो उठा पड़ते हैं कि भाई वो मसलो कहीं है, एमएलए साहब ने खुद ने पूछो वो बंडल या वो बंडल किकर जाओ तो उन किकर आओ तो वो तो मैंने खुद ने पूछो। आप जो कहीं वजह है कि भाई लेटर पेड तो मिलिया है पर लेटर पेड में तो काम को नहीं। मैं पूर्व सांसद कुड़की हरेंद्र सिंह, ये तो अब आप देख लो जनता बदलाव चाह रही है, एमएलए साहब ने कुछ काम नहीं किया और अभी आपने लेटर पेड में, उनके हर गांव में 3-4 लड़के हैं बस वो अपनी चलते हैं, किसी की नहीं सुनते। बात यही है ना, इसलिए जनता बदलाव चाह रही है। आपको कहीं नाम है बाबा जी? खोजाराम जी है सर। खोजाराम जी, कहीं कहीं वजह है, मसलों कहीं है? वजह यूँ ऐसा, पाजपाड़ा के एकदम ठंडा हो गया पर आज जेतर नाला जगह उजली दूड़ा, यूँ ऐसा एमएलए साहब कोई काम नहीं करियो साहब, तो जनता तो काम चाह रही है, जो काम करेगा वो आएगा, सब जनता का भाव है लक्ष्मण नाथ जी के ऊपर, सतीश जी कौम का। ठीक है सर, जेतारण बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई पूरे तहसील की, उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया और परिवर्तन यात्रा निकली। परिवर्तन यात्रा के अंदर भर में हम लोग हजारों की संख्या में जेतारण से पहुंचे, बन्ना भी साथ थे, पुष्पेंद्र सिंह जी भी साथ थे, प्रधान साहब भी साथ थे, सरपंच साहब भी साथ में थे, सबकी एक ही मांग थी कि टिकट जो है सही आदमी को दिया जाए पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, परंतु कुछ स्वार्थ नेताओं ने जनता की बात नहीं सुनी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी, विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं सुनी, बजरंग दल की बात नहीं सुनी, यहाँ तक भी हमारे जो महाराज हैं जो वास्तव में निरपेक्ष हैं, और इनको फिर हमें मजबूर में जब हमारे परिवर्तन यात्रा केवल राजस्थान में ही नहीं जेतारण में भी जो है एमएलए जो है वो परिवर्तन होना चाहिए, यही हमारी बीजेपी की मांग थी, परंतु वो बीजेपी की मांग स्वीकार नहीं की गई सब, और इसलिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ महाराज श्री से कहने के लिए आए हैं कि महाराज आप आगे बढ़ो, आप ही हमारे सच्चे नेता हो और आप ही जो है निस्वार्थ भाव से जेतारण की सेवा कर सकते हैं। जेतारण में आज स्थिति देखिए आप क्या है, पानी नहीं मिल रहा है, जवाई बांध में पानी और हो रहा है परंतु जेतारण में पानी खराब पी रहे हम, सड़कें देखो आप जेतारण चल के देखिए सड़का की क्या स्थिति है, जनता बहुत दुखी है और केवल जो है केवल सोशल मीडिया पे वो रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे और वो एक्टिव रह करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जनता के बीच में उनकी क्या स्थिति है आप खुद आंखों से देख लीजिए क्या स्थिति है। इसलिए हम महाराज श्री से यही कहना है कि महाराज श्री आप जनता के उम्मीदवार बनिए, हम सब 36 कौम आपके साथ हैं और आपको जीता के लाएंगे, ये हमारी मांग है। अमूमन देखा जाता है कि नेता अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राजनेता जो एकत्रित हो गए, किसी थर्ड पर्सन को आप चुन दो लेकिन उनको स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी सूरत पे हम अविनाशी गहलोत को स्वीकार नहीं करेंगे, शीर्ष नेतृत्व को खुद को इनकी जो सोशल आईडी बनी हुई है टीम अविनाश गहलोत और अविनाश गहलोत की खुद की आईडी बनी हुई है, जो बड़े नेता है वो इनकी सारे कमेंट्स इनके जितने भी सोशल मीडिया पे जो न्यूज लगाई जाती है उनको चेक करें, जो जेतारण का बीजेपी का मजबूत कार्यकर्ता है हर गांव का उनको गाली गलौज किया जा रहा है, इसके 5-7-10 चमचे हैं जो चमने इन पाल रखे हैं वो हर किसी को गालियां देते हैं, इसलिए जनता में रोष है और इस आदमी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, किसी भी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा है कि आज हम इस लांबिया ग्राम के अंदर जन भावनाओं के अनुरूप जो टिकट नहीं दिया गया पार्टी के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया गया तो सभी जनता ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि हमारा 36 कौम का नेता होना चाहिए, जनता के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा जाने का विकल्प नहीं था, तो हमने भारतीय जनता पार्टी से ही समर्थित योगी लक्ष्मण नाथ जी को हमने आके निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से जन भावना के अनुरूप हमें वोट देने का विकल्प दीजिए और आप हमारी तरफ से खड़े हो रहिए और एक राजतंत्र की करो तैयारी, राजतंत्र की करो तैयारी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम। दोस्तों ये जो है
जैतारण की जनता शांत और सबसे ठंडी जनता मानते थे भाजपा के कार्यकर्ता को, क्यों इतना उद्वेलित होना बजे? आज आपने देखा होगा कि ये जो जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, आप सबसे एक एक से व्यक्तिगत रूप से मिलना है, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हुआ ये था कि हम प्रत्याशी बदलना चाह रहे थे, हम 18 से 19 20 लोग टिकट मांग रहे थे, हमने ऊपर हमारे नेताओं को लिख के दिया, उनको बताया कि हमें ये परिवर्तन कर दीजिए, हम जिनको भी आप टिकट देंगे उनको जिता के भेजेंगे। कुछ ही दिनों पहले हमारे एक परिवर्तन यात्रा आई, उस संबंध में बाबा बालकनाथ जी महाराज पधारे थे, उनको जबरदस्ती एमएलए साहब ने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत कार्यक्रम में ले जाना, फिर संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष जी की फेट पकड़ना, फिर विस्तारक जी के साथ मारपीट करना, फिर आए दिन ये जो फैक्ट्रियों के मुद्दे चल रहे हैं, उन्होंने पिछली बार ये कहा था, मैं पिछली बार उनके साथ तन मन धन से खड़ा था और मेरे साथ हजारों युवा खड़े थे, 36 कौम के खड़े थे, उनके सामने इन्होंने वादा किया था कि फैक्ट्रियों में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाऊंगा, उन्होंने नहीं लगाए। उनके साथ रहने वाले 5-10 लोग जिनकी ट्यूबवेलें चल रही हैं, जिनके डंपर लगे हुए हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में से गोदाम बने हुए, जिनके 2-3 लाख 5 अभी नहीं उन्होंने टुकड़ा के अंदर बैठ के एक षड्यंत्र पूर्वक एक बैठक ली जिसमें खुद के लोगों की केवल बसें लगाई, और आज भी वो धार्मिक यात्रा पे कहीं पर भी जाते हैं तो आप पता कर लीजिए अल्ट्राटेक श्री सीमेंट की इनोवा गाड़ी उनके लिए आती है। तो ये कैसा भेदभाव है? क्या ये जनता खड़ी है? इन्होंने इनको वोट नहीं दिया था का? बिल्कुल दिए। फिर मैं हम लोग सभी एकत्रित होके गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज को आग्रह पूर्वक कहा कि हम क्या करें, जब हमारा केंद्र नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे आराध्य देव संध्यानाथ जी ने लक्ष्मण नाथ जी को आशीर्वाद दिया कि मैं आपको संकल्प देता हूँ, और ऐसा हमारे पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा था, एक डायरी में लिखा था कि जब प्रत्याशी का गलत चयन हो जाए, कुछ ऐसे लोग ऊपर बैठे जिनके कारण प्रत्याशियों का गलत चयन हो जाए, तब ये जनता उस प्रत्याशी का बदलाव करके नया प्रत्याशी भिजाए। तो हम उसी तर्क पर आज लक्ष्मण नाथ जी के समर्थन में आए हैं ताकि वो विजय प्राप्ति करके हम ये गरीब जनता का और हमारे 36 कौम का नेतृत्व वहां पर करे। तीसरा विषय, जब भी धार्मिक यात्राएं हमारी निकलती है तब कांग्रेस की सरकार मनसा पूर्वक उनके अधिकारियों को कहकर हमारे टेप रिकॉर्डर जब्त किए जाते हैं, 151 में हमारे कार्यकर्ताओं को पाबंद किए जाते हैं, कहीं पर भी एमएलए साहब बोल के नहीं कहते कि ये कार्य करना। कुछ दिन पहले ऐसी असुरी ताकतों ने बहन स्वाति की निर्मम हत्या की, उसमें हिंदू समाज के 2 भाग किए। जब हमारे हिंदू समाज ने तय कर लिया था कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में हम उपकरण अधिकारी जी को ज्ञापन देने जाएंगे, तब वहां पे रात्रि में बात हो गई थी कि एक मंच पे बैठेंगे, तब एमएलए साहब ने अलग टेंट लगा के समाज को खंडित करने का पूरा प्रयास किया। सोशल मीडिया पे कल वो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, आप वीडियो देख लीजिए, जिसमें उन्हीं के कार्यकर्ता, जिसके मन में रोष होगा उसके मुंह से गलत आवाज निकलेगी, बाबा लक्ष्मण नाथ जी के बारे में और हमारे आराध्य देव लक्ष्मणनाथ जी के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसका प्रत्युत्तर आज ये जनता देगी और 36 कौम की जनता देगी। करो तैयारी,